मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल सी दैट हाउ मेनी डेज इन ईच मंथ. ओके, नाउ यू नो इन वन ईयर हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स. हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स. जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऑगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ओके, टोटल हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स. ओके, सो टुडे वी विल सी दैट इन ईच मंथ हाउ मेनी डेज विल बी देयर. ओके, सो इन जनवरी हाउ मेनी डेज, 31 डेज. हाउ मेनी डेज, 31. देन इन फेब्रुवरी, 28, अदरवाइज 29 डेज. ओके, फेब्रुवरी में 28 डेज रहते हैं या फिर 29 डेज. Then after that in March how many days? 31 days. Then in April 30 days. In May 31 days. June 30 days. July 31 days. Okay. Then in August how many days? 31 days. September 30 days. October 31 days. November 30 days. And December also 31 days. Understand? So now how we can remember these all days, means in January how many days, in June how many days, how we can remember? So I will tell you one logic. okay, so अभी देखो मैं यहाँ पे आपको एक logic बता रही हूँ. ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा हाथ है. ठीक है, तो क्या करना है तुमको, ये जो bones दिख रहे हैं तुमको, here and here. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, बाई यूजिंग दीज बोन्स वी हैव टू रिमेंबर दैट इन जनवरी हाउ मेनी डेज, इन अप्रैल हाउ मेनी डेज, एक्सेट्रा. ओके, तो अगर मंथ, अगर यहाँ मतलब हम यहाँ से मंथ स्टार्ट करेंगे, मतलब जनवरी, जनवरी में कितने डेज है, 31 डेज. फिर फेब्रुवरी में, फेब्रुवरी, इन फेब्रुवरी 28 और 29 डेज. देन अगेन मार्च, मतलब अगर ऊपर आया ना तो क्या समझने का, 31 डेज है. ठीक है, और अगर मंथ अगर ऐसा नीचे आया तो हम क्या समझेंगे, हाउ मेनी डेज, 30 डेज. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट ओनली इन फेब्रुवरी 28 और 29 डेज विल बी देयर. ओके, बट इन जनवरी सी हियर हाउ मेनी डेज, 31. ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनवरी. ठीक है, मतलब जनवरी में 31 डेज. देन फेब्रुवरी, इन मार्च, मार्च में कितने डेज है देखो, 31. देन अप्रैल 30, क्यों, क्योंकि अप्रैल नीचे आया है. ठीक है, देन आफ्टर दैट मई, मई जो है वो ऊपर है, तो मई में कितने डेज रहेंगे, 30 डेज. देन जून, जून में, जून जो है वो नीचे है. ठीक है, तो जून में कितने, 30 डेज. देन जुलाई, 31 डेज. देन आफ्टर दैट सी ऑगस्ट, इन ऑगस्ट ऑल्सो हाउ मेनी डेज, 31 डेज. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके, बाई यूजिंग दिस bones. Okay, thank you.